मंच पर विराजमान सम्मानित नेतागण और यहां उपस्थित आदरणीय किसान भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी हुई है। चाहे महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया खेड़ा सत्याग्रह हो गुजरात से, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल का बारदोली सत्याग्रह हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी की हरित क्रांति हो, चाहे राजीव गांधी जी का दलहन विकास के लिए बनाई गई योजनाएं हो, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी जी की किसानों की कर्जा माफी के लिए यूपीए की सरकार में की गई पहल हो, और चाहे हमारे नेता राहुल गांधी जी के द्वारा भूमि अधिग्रहण बिल जो संसद में लाया जा रहा था उसको रोकने की बात हो, आज उसी श्रृंखला की कड़ी में हमारे नेता राहुल गांधी जी आज इस पिपलिया मंडी में किसान भाइयों के बीच में आए हैं। आज का दिन जहां हम किसानों पर हुए जुल्म सितम को, यहां जो हुआ उसको याद करते हैं तो वो दर्दनाक दिन माना जाता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे नेता राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। आज उसी आवाज को बुलंद करने के लिए, आज उसी संकल्प को दोहराने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी यहां आपके बीच में आए हैं, और यहां से आगाज करना चाहते हैं कि हमारे जो अन्नदाता भाई हैं उनकी जो बेकसूर हत्या हुई है, न केवल यहां बल्कि प्रदेश में भी अन्य इलाकों में किसानों पर अत्याचार हो रहा है, चाहे वो टीकमगढ़ में किसानों को निर्वस्त्र करने की बात हो, चाहे नरसिंहपुर में आधी रात को किसानों को गिरफ्तार करने की बात हो, चाहे एनटीपीसी के भूविस्थापित किसानों पर झूठे केस बनाने की बात हो, किसानों की जहां भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के संबंध में जो वादे किए थे, कर्जा माफी के, जो समर्थन मूल्य लागत मूल्य से 50% अधिक का आंकलन करके देने की बात की थी, जो किसानों को अन्य सुविधा देने की बात की थी, वो वादे पूरे नहीं किए। साथ ही जो घोषणाएं यहां के घोषणावीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जो किसानों और नौजवानों और आम इंसानों और गरीबों से संबंधित की थी, उन घोषणाओं पर भी अमल नहीं हो पाया है। तो आज के दिन हमें संकल्प लेना है कि ऐसी घोषणा भी सरकार को, ऐसी विश्वासघाती सरकार को, ऐसी किसानों पर जुल्म करने वाली सरकार को यहां से उखाड़ फेंकना है, यही संकल्प लेना है। जय जवान, अरे जय